हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ऑनलाइन ट्यूटर नेचर अरुण। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 8। द चैप्टर इज लीजर टाइम, अर्थात खाली समय। इसको हम लोग फुर्सत का भी समय कह सकते हैं या अवकाश का भी समय कह सकते हैं। जब हमारे रूटीन के अतिरिक्त में समय बच जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खाली समय कहते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। इट इज ट्रू दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले कैन मेक एनीवन डल। यह सच है कि सभी काम और कोई भी खेल किसी को सुस्त नहीं बना सकता। अगर कोई खेल खेलता हो और वर्क अर्थात काम करता हो तो वह डल या सुस्त नहीं बन सकता है। हाउ कैन यू स्टडी वर्क इन द ऑफिस और एट होम ऑल द टाइम। यह कैसे संभव है या प्रत्येक समय काम करें या स्टडी करें, यह संभव नहीं है। यू नीड टाइम टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश योर बॉडी एंड माइंड। आपको समय चाहिए आराम करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश होने के लिए, अपनी बॉडी और माइंड को रिफ्रेश होने के लिए, उसको पुनः तरोताजा होने के लिए समय चाहिए। द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज नोन एज लीजर टाइम। ऐसा समय जो आप अपने रूटीन के अतिरिक्त कार्य को करते हैं और जो समय आपके पास है, उसी को लीजर टाइम कहते हैं। द टाइम दैट यू स्पेंड अवे फ्रॉम योर रूटीन वर्क इज नोन एज लीजर टाइम। जो अपने रूटीन वर्क के अतिरिक्त जो आप काम करते हैं और जो समय आपके पास होता है, उसी को लीजर टाइम कहते हैं। ईच पर्सन इंजॉयज डिफरेंट लीजर टाइम एक्टिविटीज। प्रत्येक व्यक्ति वो अलग अलग प्रकार की लीजर टाइम एक्टिविटीज करता है, उसको इंजॉय करता है। इट मे बी अ स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक, डांस, रीडिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, गार्डनिंग एक्सेट्रा। और वह क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स, गेम्स हो सकता है, म्यूजिक, डांस, रीडिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, पोट्री, गार्डनिंग, ये डिफरेंट एक्टिविटी हो सकता है। यहाँ पर पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई रीडिंग का काम कर रहा है, कोई आपस में गपशप कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है और कोई खेल रहा है। लीजर टाइम इज द टाइम फॉर रिफ्रेशिंग एंड रिलैक्सेशन। लेजर टाइम क्या है, एक ऐसा टाइम है जो हमें रिफ्रेश करता है, तरोताज़ा करता है और रिलैक्सेशन अर्थात आराम हमको महसूस कराता है, जिसे हम पुनः तरोताज़ा हो जाते हैं वर्क करने के लिए। पीपल हैव इंजॉयड वेरियस लीजर एक्टिविटीज़ सिंस एनिशेंट टाइम्स। और जो लोग हैं वो प्राचीन समय में डिफरेंट लीजर एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते हैं। सम एक्टिविटीज़ वेयर enjoyed individually and some in groups। और उसमें से कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जिसको इंडिविजुअल अर्थात सिंगल सिंगल इंजॉय किया जाता है, और कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसको ग्रुप में अर्थात समूह में किया जाता है। द फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटीज इन ओल्डन टाइम्स वेयर बॉल गेम्स, चैरियट रेसिंग, प्लेइंग विथ मार्बल्स और पेंटिंग द वॉल्स ऑफ देयर केव्स। और जो फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटीज था वह क्या था, ओल्डन टाइम में बाल गेम्स था, चैरियट रेसिंग अर्थात घोड़दौड़ जो था, प्लेइंग और विथ मार्बल्स, मार्बल्स के साथ में खेलना, इसके साथ साथ पेंटिंग का काम। और कैसा पेंटिंग, जो केव्स होता था, जो गुफा होता था, उसके वॉल्स को पेंटिंग करने का काम एक फेवरेट जो है लीजर टाइम एक्टिविटीज बन गया था। पीपल ऑल्सो enjoyed hunting, swimming, boating, boxing, horse riding, etc. और जो लोग थे वो enjoy करते थे hunting करना अर्थात शिकार करना, swimming तैराकी करना, boating नाव चलाना, boxing का काम करते थे, और horse riding घोड़े पर बैठ करके घोड़ों को दौड़ाते थे, horse riding करते थे। यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे आपस में ये खेल रहे हैं और ये हॉर्स राइडिंग राइट साइड में किया जा रहा है। हॉर्स पर लोग बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। हॉर्स कार्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं।
Many traditional leisure time activities like archery, boxing and swimming are still popular and are competed at international level today. आज बहुत सारे ट्रेडिशनल लीजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आर्चरी, बॉक्सिंग, स्विमिंग, ये आज भी पॉपुलर हो गए हैं और आज इसका अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्पर्धा हो रही है, इसकी कंपटीशन हो रही है, प्रतियोगिता हो रही है. स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी प्लेड इंडोर्स और आउटडोर्स. जो स्पोर्ट्स और गेम हैं उसको इंडोर्स अर्थात घर के अंदर और आउटडोर्स अर्थात घर के बाहर खेला जाता है. बोथ हैव डिफरेंट एडवांटेजेस बट द पर्पज इज द सेम, इंजॉय, रिलैक्स एंड रिफ्रेश. दोनों का एडवांटेजेस जो हैं, फायदे जो हैं, वो अलग अलग है, लेकिन उनका जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, एक ही है, इंजॉय करना, रिलैक्स करना और रिफ्रेश करना. द चॉइस ऑफ द गेम स्पोर्ट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल इंटरेस्ट, कन्वीनियंस एंड कैपेसिटी. और ये जो गेम्स और स्पोर्ट्स हैं, ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं, व्यक्तिगत रुचि. किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो किसी को क्रिकेट में है. आप देखते हैं एक ही घर में अगर दो भाई हैं तो एक को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो दूसरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है. तो ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. कन्वीनियंस अर्थात जो सुविधा है वो आपके पास अवेलेबल है क्या. आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है बट आपके आसपास में फील्ड नहीं है तो फिर आपका इंटरेस्ट होने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होगी. एंड कैपेसिटी, आपके अंदर जो कैपेसिटी ही नहीं है. आपका इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलने का, फील्ड भी है, लेकिन आपके अंदर क्षमता नहीं है तो भी आप नहीं खेल सकते हैं. ऑल स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू कीप फिट एंड एंजॉय आवर सेल्फ्स. और जितने सारे स्पोर्ट्स और गेम्स हैं वो हमें स्वस्थ रखते हैं. यहाँ पर जो हम लोग अभी ये पिक्चर देख रहे हैं, ये ओलंपिक गेम्स का पिक्चर है. यहाँ ओलंपिक गेम खेला जा रहा है. देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनमोहक होता है जब कोई खेल कहीं पर होता है, आयोजन जहाँ होता है वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट होता है. हम सभी अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, इंजॉय करते हैं वहाँ जा करके, या अपने घर से बैठे बैठे टीवी के माध्यम से देखते हैं. तो अभी हम लोग बात करेंगे इंडोर गेम्स के बारे में. इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडोर गेम्स अर्थात जो घर के अंदर होता है, हम लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सम पॉपुलर इंडोर गेम्स आर चेस, लूडो, कैरम, मार्बल, मोनोपोली, स्क्रैबल, चाइनीज चेकर्स, बॉक्सिंग, आइस हॉकी, कराटे, टेबल टेनिस, स्क्वैश एक्सेट्रा. कुछ जो पॉपुलर इंडोर गेम्स हैं वो क्या है, चेस हम लोग अपने घर में बैठकर खेल लेते हैं, लूडो भी घर में खेलते हैं, कैरम भी खेल लेते हैं, मार्बल्स भी हम लोग घर में खेल लेते हैं, मोनोपोली भी जो होता है उसको भी घर में खेलते हैं, स्क्रैबल को हम लोग घर में खेलते हैं, चाइनीज चेकर्स उसको भी खेलते हैं, बॉक्सिंग भी हम अपने घर में खेल लेते हैं, और आइस हॉकी भी हम लोग घर में खेल सकते हैं, कराटे भी हम लोग अपने घर में करते हैं, टेबल टेनिस भी घर में खेलते हैं, स्क्वैश भी हम लोग खेल लेते हैं. इंडोर गेम्स हैव मेनी एडवांटेजेस. और जो इंडोर गेम्स होता है बहुत सारे उसके फायदे हैं. दे कैन बी प्लेड थ्रू आउट द ईयर एज सीजनल चेंज डू नॉट इफेक्ट देम. और इंडोर गेम्स को हम लोग पूरे वर्ष खेल सकते हैं, इस पर सीजन चेंज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. दी आर वेरी पॉपुलर वेयर द स्पेस इज लिमिटेड, वेदर इज अनरिलायबल और द एरियाज इज पॉल्यूटेड. और ये वहाँ पर भी पॉपुलर है जहाँ पर जो है स्पेस लिमिटेड है, और वैसे भी जगह पर इसको हम लोग खेल सकते हैं जहाँ पर वेदर अविश्वसनीय हो, जहाँ पर कि वेदर अच्छा ना हो वहाँ पर भी हम लोग खेल सकते हैं. और द एरिया इज पॉल्यूटेड, जो एरिया पॉल्यूटेड हो वहाँ पर भी हम लोग इसको इंजॉय कर सकते हैं. मोरीवर मेनी इंडोर गेम्स हेल्प द एल्डर्स एंड द चिल्ड्रेन टू प्ले टुगेदर एंड बॉन्ड इन अ फन फील्ड वे एज वेल एज कम्पीट विथ अपोनेंट्स. और बहुत सारे जो इंडोर गेम्स हैं बड़ों के बीच में और बच्चे के बीच में आपसी एक लगाव भर देता है, और इसके साथ साथ वो एक दूसरे के बीच में
कंपटीट करने अर्थात प्रतिस्पर्धा की भावना भी लाता है। यहाँ पर इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि जो ये लोग गेम खेल रहे हैं तो ये आपस में एक कंपटीट की भावना बना है, प्रतिस्पर्धा की भावना बना है कि मैं जीत जाऊँ या मैं जीत जाऊँ, होना भी चाहिए। सम इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड एंड स्नूकर रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड अ हॉल। कुछ इंडोर गेम ऐसे हैं जिसके लिए हॉल भी चाहिए और कुछ खास इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ उसकी संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। किसके लिए? टेबल टेनिस के लिए, स्क्वैश के लिए, बिलियर्ड्स के लिए या स्नूकर के लिए। दे आर प्लेड एंड वॉच्ड बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और ये इसको जो है हजारों हजारों लोगों के बीच में खेला जाता है, इसको लोग खेलते हैं और इसको लोग देखते भी हैं। दे आर प्लेड एंड वॉच्ड, खेलते भी लोग हैं और देखते भी हैं हजारों लोग। गेम्स लाइक बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल कैन बी प्लेड इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर्स। कौन कौन? बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इसको इंडोर भी गेम हम लोग खेलते हैं और आउटडोर में भी हम लोग खेल लेते हैं, ध्यान देंगे इसको। डू यू नो चेस एन इंटरनेशनली फेमस माइंड गेम इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया फ्रॉम द एंशिएंट गेम ऑफ चतुरंगा, अ संस्कृत वर्ड रेफरिंग टू द फोर ब्रांचेज ऑफ द आर्मी। चेस क्या है? एक इंटरनेशनली फेमस माइंड गेम बन गया है, दिमागी खेल बन गया है। इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ये ऐसा लोगों का मानना है कि इसका प्रारंभ भारत में ही हुआ था और ई फ्रॉम द एंशिएंट गेम चतुरंगा, चतुरंगा एक गेम होता था उसी से ये ओरिजिन हुआ इसका, और एक संस्कृत वर्ड है रेफरिंग टू द फोर ब्रांचेस ऑफ द आर्मी, आर्मी में चार ब्रांच जो प्रमुख होते हैं उसी को ये इंडिकेट करता है। इट वॉज प्लेड ऑन अ बोर्ड ऑफ 64 स्क्वायर्स कंसिस्टिंग ऑफ फोर अपोजिंग प्लेयर्स, ये एक बोर्ड गेम है उस पर खेला जाता है जिसमें 64 स्क्वायर होता है और कंसिस्टिंग ऑफ फोर अपोजिंग प्लेयर्स, एक दूसरे के अपोज में चार प्लेयर होते हैं। हिस्टोरियंस बिलीव दैट द गेम माइट हैव बीन प्लेड फॉर डिवीजन ऑफ लैंड एमोंग डिफरेंट क्लांस, और जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने ऐसा उनका मानना है कि यह गेम आपस में कुछ वंशों के बीच में इसको जमीन को डिवाइड करने के लिए ग्रुप बना करके किया गया था। लेटर ऑन द पार्शियंस क्रिएटेड शतरंज दैट इज क्लोज टू मॉडर्न डे चेस, और पार्शियन जो लोग थे इसको शतरंज नाम दिए, शतरंज के नाम से प्रारंभ किए और फिर बाद में ही आगे चल करके मॉडर्न में चेस का नाम ले लिया, चेस का रूप आ गया। अच्छे से आजकल हम लोग देखते भी हैं। मेनी पीपल इंजॉय रीडिंग बुक्स, पेंटिंग और फॉलो हॉबीज लाइक वीडियो गेम्स, सॉल्विंग सुडोकू और क्रॉसवर्ड एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग हैं जो बुक्स को पसंद करते हैं, पढ़ना, पेंटिंग करना पसंद करते हैं और डिफरेंट हॉबीज है उनका, जैसे वीडियो गेम खेलना या सॉल्विंग सुडोकू, सुडोकू को सॉल्व करते हैं या क्रॉसवर्ड को सॉल्व करते हैं। डू यू नो जिमनिज्म और जिम्स है बिकेम पॉपुलर इन सिटीज एंड टाउन्स, जिमनिज्म जो है या जिम्स जो है आज सिटी में टाउन्स में पॉपुलर हो गया है। दे हैव एक्सरसाइज इक्विपमेंट एंड ट्रेनर्स टू गाइड द पीपल इन फिटनेस एंड स्ट्रेंथ बिल्डिंग, और यहाँ पर क्या होता है, एक्सरसाइज करने का इक्विपमेंट होता है जिम में और वहाँ पर ट्रेनर्स होते हैं जो गाइड करते हैं लोगों को अपने आप को फिट रखने में, उनके स्ट्रेंथ बिल्डिंग में क्षमता बढ़ाने के लिए वो लोग गाइड करते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पर्याप्त मानते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आउटडोर गेम्स के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।